सो गाइस, स्वागत है आपका वॉच न्यूज़ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते निकल कर आए कुछ हॉलीवुड न्यूज़ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मार्वल की शुरुआत करते हैं थोर लव एंड थंडर से, जहां न्यूज़ निकल कर आई है कि थोर मार्वल की अब तक की सबसे फनीस्ट फिल्म होने वाली है। वैसे थोर रैग्नारोक में भी हमने काफ़ी फनी सीन देखे थे, हल्क के आ जाने से मूवी में काफ़ी इंटरटेनमेंट बढ़ गया था, और थोर फोर में तो पूरी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम है, तो मूवी फनी होना तो बनती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्वल की अब तक की सबसे फनीस्ट फिल्म है, तो ये तो भैया मूवी देख कर ही पता चलेगा। और वहीं इस मूवी का लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ, जिसके कुछ लुक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी दौरान ये बताया गया थोर की चारों मूवीज में थोर 4 सबसे बेस्ट मूवी है। थोर लव एंड थंडर की और बात करते हैं, टाइका वाइटिटी ने यह भी बताया कि थोर 4 कोई भी मल्टीवर्स के चुतियापे को एक्सप्लोर नहीं करेगी, मतलब इसमें कोई भी मल्टीवर्स नहीं होगा, पूरी मूवी अपने सिंगुलर वर्स पर ही फोकस करेगी। चलो ये तो ठीक है, अब मुझे पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। और इंडिया में ये मूवी 7 जुलाई को सबसे पहले सभी रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। और वहीं एंड गेम के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने यह कहा है कि उन्हें खुशी होगी अगर वो क्रिस एवांस को एमसीयू के वल्वरीन का रोल करते हुए देखें, क्योंकि वो वल्वरीन के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और बॉडी कंट्रोल में भी काफी अच्छे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं क्रिस एवांस का एमसीयू में वापसी करना कंफर्म है। दूसरी ओर केविन फाइगी ने ये बताया कि मार्वल स्टूडियो वापसी करेगा नेक्स्ट मंथ सैन डियागो में होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में, जहां हमें मार्वल के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा और कुछ फर्स्ट लुक और टीजर ट्रेलर देखने को मिलेंगे। और रूमर्स ये भी है कि नेक्स्ट मंथ ही फेज 4 में थानोस जैसा कोई बड़े विलेन का फर्स्ट लुक देखने मिलेगा। अब बात करें अगर डीसी की, तो डीसी जितना ज्यादा डार्क है उतना ही ज्यादा ठंडा भी रहता है। तो डीसी की साइड से कुछ बड़ी या खास न्यूज निकल कर नहीं आई है। तो सबसे पहले डीसी ने कुछ करेक्टर पोस्टर रिलीज किए हैं उसकी अपकमिंग एनिमेटेड मूवी डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मूवी 5 अगस्त को थिएटर में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। और दूसरी ओर हार्ली क्वीन की एनिमेटेड वेब सीरीज का सीजन 3 नेक्स्ट मंथ जुलाई में रिलीज होने वाला है। और वहीं जॉर्ज आर आर मार्टिन ने कंफर्म किया है कि वो गेम ऑफ थ्रोन की स्पिन ऑफ सीरीज जॉन स्नो में इन्वॉल्व है, और इस सीरीज का आइडिया किट हैरिंगटन खुद उनके पास लेकर आए, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन जल्द ही हमें देखने मिलेगी। नेटफ्लिक्स पर आए तो डफर ब्रदर्स स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर एक स्पिन ऑफ बना रहे हैं, और उनका यह कहना है कि ये जो स्पिन ऑफ होगी लोगों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगी। उनका कहने का मतलब ये है कि अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। अगर बात करते हैं जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस, जो एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर सीरीज है, उसका 5वां और लास्ट सीजन 21 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगा, जिसमें टोटल 12 एपिसोड होंगे। एंग्री बर्ड्स समर मैडनेस का भी सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है, ये भी एक एनिमेटेड सीरीज है जिसके अंदर टोटल 16 एपिसोड है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और अगर आपको स्पेनिश मूवी या वेब सीरीज देखना पसंद है, तो द लॉन्गेस्ट नाइट आपके लिए एक परफेक्ट वॉच है, जो एक स्पेनिश एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो रिलीज होगी 8 जुलाई को हिंदी इंग्लिश स्पेनिश लैंग्वेजेस में, और इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड होंगे। डीबी कूपर वेयर आर यू भी 13 जुलाई को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, जो एक मिनी डॉक्यूमेंट्री क्राइम ड्रामा सीरीज है। अब बात करते हैं कुछ अदर न्यूज की। तो सबसे पहले तो पठान के कुछ मल्टीलिंगुअल पोस्टर और एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें आप शाहरुख खान का एक बैडस लुक देख सकते हैं। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 25 जनवरी को सभी रीजनल लैंग्वेजेस में थिएटर में रिलीज होगी। वहीं न्यूज ये आई है कि इंडियाना जोन्स 5 हैरिसन फोर्ड और जॉन विलियम्स की आखिरी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाएंगे। जॉन विलियम्स ने ये कहा कि जब हैरिसन फोर्ड रिटायर हो सकते हैं, तो शायद मैं भी हो जाऊं। और एक शॉकिंग न्यूज निकल कर आई है डिज्नी की तरफ से कि डिज्नी ने एक हूपिंग अमाउंट 2355 करोड़ अपोलॉजी लेटर के साथ जॉनी डीप को भेजे कैप्टन जैक स्पैरो के रोल के लिए। लेकिन जॉनी डीप ने साफ इनकार कर दिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कैप्टन जैक स्पैरो का रोल कभी नहीं करेंगे। बात भी ठीक है, पहले तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी फ्रेंचाइजी से निकाल दो, और फिर जब आपको ये पता चले कि सब कुछ गलत था, सारे इल्जाम गलत थे, तो आप सॉरी बोल दो कि भैया आ जाओ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमारी मूवी कर लो। घंटा करेगा कोई, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। अब डिज्नी को कितना बड़ा लॉस हुआ है, ये तो डिज्नी ही जान सकता है। वहीं क्रिस प्रैट ने ये कहा जो उनकी अपकमिंग मारियो मूवी है, उसमें जो उन्होंने मारियो को वॉइस दिए, वो अब तक की सबसे अलग वॉइस है, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। चलो ये भी देखते हैं कि ऐसा क्या क्या है जो हमने नहीं सुना। लेकिन बस इतना जान लो कि कहीं कुछ नया करने की चक्कर में ऐसा मत कर देना जिससे पब्लिक की गालियां पड़े। वैसे क्रिस प्रैट की वॉइस कैसी है इस मारियो के करेक्टर में, किसी ने जरा सी भी नहीं सुनी। स्टूडियो ने बिल्कुल सीक्रेट रखा है।
मिनियंस 2 राइज ऑफ गुरु का रन टाइम रिवील कर दिया है जो 1 घंटा 27 मिनट का है। मूवी 30 जून को थिएटर में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। विनी द पू, ब्लड एंड हनी के भी कुछ फर्स्ट लुक निकल कर आए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मूवी की अभी कोई रिलीज डेट तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मूवी को इस साल के एंड तक रिलीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लाल वाले बटन पर जोर से एक पंच मारो और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।